गाइज वेलकम टू माई चैनल। आज मेरे पास ओनिडा का ऑक्सीजन थंडर टीवी है। इसमें सीआरटी टीवी है बट इसका बटन्स प्रॉब्लम है। इसको कैसे रिपेयर करें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहें। फटाफट से मैं इसके सब स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको इसमें जो जो प्रोसेस बताने वाला हूँ हर टीवी में एक है। मैं फटाफट से इसके स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैंने ओपन कर लिया है। इसके कैबिनेट को हटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके सब कनेक्टर जितने भी है ओपन कर ले, बेस पोर्ट को भी ओपन कर ले। मैं फटाफट से ओपन करके आपको मैं सब कुछ बताता हूँ। देखिए मैंने ओपन कर लिया है। इसके डस्ट जितना भी अच्छे तरीके से झाड़ लीजिए। इसका ऑडियो स्पीकर्स वगैरह जितना भी, इसको अच्छे तरीके से ओपन करके इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको ये बटन्स कैसे चेंज करते हैं आज मैं इसको बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट से मैं आपको बता लेता हूँ। आपको अपने हिसाब से इसके इसके पीसीबी को सेट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको कैसे इसके बटन्स को ओपन करके नया बटन्स लगाना है आपको बताता हूँ। फटाफट से मैं इसका डस्ट को अच्छे से तरीके से झाड़ लेता हूँ जो सोल्डरिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। इसका AHT संभाल के इसको अच्छे से तरीके से रख दीजिए। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फटाफट से मैं रख के आपको बताता हूँ कैसे चेंज करना है। आप पहले इसमें थोड़ा सा फ्लक्स अच्छी तरीके से लगा दीजिए। मैं इसमें फ्लक्स लगा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको सोल्डरिंग कर रहा हूँ। मैंने इसी चैनल में सोल्डरिंग आयरन को कैसे बनाना है वीडियो बना लिया है। आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप देख सकते हो। आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसी वीडियो के अपडेट पाते रहने के लिए। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं पीसीबी को अच्छे तरीके से रख देता हूँ। देखिए मैंने ऐसे रखा है और इसमें थोड़ा सा फ्लक्स लगाया है। फ्लक्स लगाने के बाद इसमें सोल्डरिंग आयरन को हीट करने के लिए रख के, उसके बाद इसमें अच्छी तरीके से हीट करके इसको निकाल लीजिए। इसके बटन्स को फटाफट से निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए मैंने एक बटन निकाल लिया है। उसके बाद इसके फ्लक्स को साफ कर लीजिए। देखिए मैंने साफ़ कर लिया है, इस बटन को मैंने निकाल लिया है। उसके बाद मैं आपको न्यू बटन कैसे लगाते हैं दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास चार न्यू बटन है। मैं इसको अच्छे तरीके से फटाफट लाइन से लगा लेता हूँ। ये सब बटन्स एक ही प्रोसेस रहेगा इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। मैं एक बटन लगा के दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद आप सब बटन लगा सकते हो। देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया। उसके बाद सोल्डरिंग करना है। अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करने के बाद इसको मैं आपको वर्क कैसे कर रहा है कि नहीं बटन्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहें। देखिए अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लीजिए, लूज ना हो, बाद में प्रॉब्लम दे सकता है। देखिए मैंने इसको सोल्डरिंग कर लिया है। अभी फटाफट से मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि सोल्डरिंग प्रॉपर नहीं हुआ इसलिए मैं वापस से सोल्डरिंग अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो देखने में थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए अभी तक। देखिए सोल्डरिंग अच्छी तरीके से हो रहा है। आप न्यू हो तो इस चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। देखिए मैंने अच्छी तरीके से एक बटन को सेट कर लिया है, बाकी बटन भी ऐसे ही सेट करने हैं। अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ फटाफट से इसके सेट करके सब कुछ। देखिए मैं आपको अभी थोड़ा भी वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैंने बटन ऑन किया। देखिए इसमें हल्का सा आपको लाइट दिख रहा रहेगा, ये ऑन हो रहा है। मैं थोड़ा भी वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सब लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये टीवी थोड़ा ऑन होने में सब ये सीआरटी टीवी टाइम लगता है ऑन होने में। देखिए ऑन हो चुका है। देखिए मैंने उस बटन सब कुछ चेंज कर लिया है। देखिए ये वॉल्यूम अप का बटन है, देखिए वॉल्यूम अप हो रहा है। उसके बाद वॉल्यूम डाउन का बटन आ रहा है, देखिए वॉल्यूम डाउन भी हो रहा है। उसके बाद ये चैनल चेंज का बटन करने का, उसके बाद और एक चैनल चेंज करने का बटन है।
आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ये कुछ वीडियो है आपको पसंद आए तो आप देख सकते हो।